शुक्रवार को तारामंडल स्थित एनेक्सी भवन के हॉल में प्रेस वार्ता करते हुए पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा एवं जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समूह के रूप में गोरखपुर मंडल में भेजने का कार्य किया है। समीक्षा बैठक में विकास और सुरक्षा पर अधिकारियों से बातें की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही व्यवस्था व बिंदु है कि उत्तर प्रदेश की जनता को विकास मिले और वह सुरक्षित रहे, इसलिए जनपद स्तर के सभी अधिकारियों से शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, परिवार कल्याण, बिजली, सड़क, पानी इत्यादि मुद्दों पर बात की गई। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी अस्पतालों में दवाइयों का उचित प्रबंध हो, कुत्ता व सांप के काटने की वैक्सीन भी मिले और जो जनपद स्तर के अधिकारी हैं, ब्लॉक व तहसील में तैनात हैं, रात्रि में प्रवास अपने अपने मुख्यालय पर रहने की व्यवस्था करें तथा थानों में रिपोर्ट लिखने का कार्य किया जाए। जो भी फरियादी थाने पर आए उनकी सबसे पहले रिपोर्ट लिखी जाएगी और जिस थाने पर शिकायत आती है कि रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर गन्ना विकास मंत्री संजय गंगवार, बेसिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्री समूह भेजने का काम किया है गोरखपुर मंडल के लिए कमिश्नरी में। इसमें मंत्री समूह में हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माने गुलाब देवी जी हैं और गन्ना राज्य मंत्री भाई संजय सिंह जी गंगवार हैं। हम लोग कल से यहाँ पर हैं। आज समीक्षा बैठक में दो बातों पर समीक्षा हुई है, नंबर एक विकास और नंबर दो सुरक्षा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जी की यही दो व्यवस्थाएं हैं और ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को विकास मिल जाए और वो सुरक्षित रहे। तो इसलिए जनपद स्तर के सभी जनपदीय स्तर के सभी अधिकारी और पुलिस से संबंधित SSP इन अधिकारियों से बात की गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, परिवार कल्याण, बिजली, सड़क, पानी इत्यादि इत्यादि पर बात की गई और आज हमारे द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी अस्पतालों में दवाई का उचित प्रबंध हो, कुत्ता काटने और सांप काटने की यहाँ वैक्सीन भी मिले। दूसरा, जो जनपद स्तर के अधिकारी ब्लॉक में, तहसील में तैनात हैं, वो रात्रि को प्रवास अपने अपने मुख्यालय पर करने का काम करें, ये निर्देश दिया गया है। दूसरा, थानों में शिकायतें आती हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, रिपोर्ट लिखने का काम किया जाए। जो भी फरियादी आवे सबसे पहले रिपोर्ट लिखी जाएगी और जहाँ से ये शिकायत आएगी कि रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसे निर्देश दिए। ये आपने संज्ञान में लाया है। वैसे आज हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ थे और DM से भी कहा है कि दवाओं का टोटा अस्पताल में किसी तरीके से ना रहे, ब्रांडेड दवाइयाँ मिलें, कोई दवा के अभाव में कोई मरीज वापस ना जाए। जो आपने जो मकड़ जाल की बात कही है इसे बिल्कुल नहीं होने देंगे और इस पर कड़ाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से तो कुछ भी नहीं छूटता है और जो कुछ आज हमने देखा है ये सारी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को ही देंगे, क्योंकि हमने कहा है कि राशन वितरण प्रणाली ठीक से हो, अभी राशन कार्ड बनने का काम हो, आयुष्मान योजना के अंतर्गत अभी राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता है। DM ने आश्वस्त किया है ऐसे गरीबों को जिनका राशन कार्ड नहीं, वो आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, उसको भी बनाने का काम करेंगे। आज हमने राशन कार्ड बनाने के भी निर्देश दिए हैं कि वो राशन कार्ड बनाने का काम करें और जिनके अभी गरीबों के आवास नहीं बने और आवासहीन हैं, रोटी कपड़ा मकान का प्रबंध करना योगी सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे आवासहीनों के आवासहीन
व्यक्तियों के आवास प्राथमिकता पे बनाए जाने का काम किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री की नज़र से अब कुछ भी नहीं छूटेगा। अभी आज बात हुई है और चाहे ग्रामीण परिवेश गांव हो हमारे या नगर हो, सारी तरीके से पूरी तरीके से कहा है कि जून तक नालों की सफाई हो जाएगी, जल निकासी का पूरा प्रबंध कर दिया जाएगा। जो स्वच्छता कर्मी हैं हर गांव पंचायत में वो स्वच्छता करने का काम करेंगे, नगर में भी इसी तरीके का प्रबंध होगा। आज हमने इस बात को जो आप प्रश्न उठा रहे हो जिलाधिकारी से कह दिया, इसको सुनिश्चित करेंगे वो। देखिए, हमने उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल से 5 मई तक भूसा संग्रह का एक अभियान चलाया। हर जनपद में भूसा बैंक बनी है और अभी भी माननीय विधायकों से हमने आग्रह किया है कि 10-10 कुंटल भूसा गोरखपुर के माननीय विधायक दान करने का काम करें। उन्होंने कहा है कि हम दान भी करेंगे और हमारी जो निराश्रित गौवंश है ये उत्तर प्रदेश में ज़्यादा संख्या में इस बार विधानसभा के चुनाव में अहम मुद्दा था, तो एक वर्ष के अंदर निराश्रित गौवंश को हम आश्रय स्तर पर पहुंचाने का काम करेंगे। गौशालाओं का हम इसमें समाज का भी सहयोग लेंगे, मेरे सरकारी व्यवस्था से ये काम नहीं चल सकता, समाज के सहयोग से भी काम होगा। तो अब हम ये गौशालाओं को दूध देने वाली भी गौशालाएं बनाएंगे। बरेली में एक मॉडल के रूप में हम एक कंपनी गोबर से CNG गैस बनाएगी और किसानों का गोबर 1.5 रुपये किलो खरीदेगी, तो ये गोबर जब बिकने लगेगा तो हम समझते हैं कि किसान गायों को या और जानवरों को छोड़ने का काम नहीं करेगा। अब निश्चिंत जान मान रही है कि हम गौवंश को पूरा आश्रय स्थल पर पहुंचाकर उन्हें चारे इत्यादि का, पानी का, रहने का भी सुदृढ़ प्रबंध करेंगे। अभी DM से कह दिया है, इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। गोरखपुर में आज DM को कहा है और अभी गोरखपुर के लिए ये विशेष CBO से कह दिया है कि वो जहाँ गाय हैं उनको चिन्हित करने का काम करेंगे और गौशालाओं को भी, आज मैं गौशाला देखने भी जाऊंगा। आज DM को कह दिया कि टेंडर करें, टेंडर में थोड़ा विलंब तो हुआ है। धन्यवाद।